हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एस्ट्रो सेज। आप देख रहे हैं विश्व का सबसे नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल और मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर विनी अरोड़ा आपके लिए लेकर आई हूँ आज का लव हॉरोस्कोप। तो लव हॉरोस्कोप की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आपकी लव के अलावा भी लाइफ में जो भी उलझन है, परेशानियां हैं, साथ बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल आप मुझसे वार्ता पे बात कर सकते हैं, आपकी करियर या आपके बिजनेस को लेकर के कुछ परेशानी है या फाइनेंसिस को लेकर के या रिलेशनशिप्स को लेकर के हर ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो आप या तो ऊपर बॉल पे क्लिक करके मुझसे वार्ता पे बात कर सकते हैं या फिर आप वार्ता.astrosage.com पे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने लव हॉरोस्कोप की तरफ और देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे काज आज सभी 12 राशियों के लिए, हमारे शादीशुदा और हमारे लव बर्ड्स के लिए। देख लेते हैं क्या है आज का राशिफल। तो शुरुआत करेंगे अपनी पहली यानी कि मेष राशि से और ये आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो जो हमारे लव बर्ड्स हैं आज एक अच्छे जूमिंग जोन में रहने वाले हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है आज थोड़ी सी डोमिनेटिंग होंगी, आपसे कोई बातें मनवा सकती हैं या कोई काम करवा सकती हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अगर अब ध्यान रखिएगा, अगर कोई बातें वो पहले आपसे कह रही थी तो आज वो मनवा लेंगी ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए वहीं अगर बात करते हैं हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आज आप दोनों अपने घर को सजाने के लिए या घर को कुछ रेनोवेट करने के लिए या एक्सपेंशन के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लगाने के लिए आप दोनों आज शॉपिंग कर सकते हैं और दोनों साथ में जाएंगे और कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ें लेकर के आएंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी यानी कि वृष राशि की तरफ और वृष राशि के लिए आ रहा है ये हमारे पास फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो अगर हम अपने लव बर्ड्स की बात करें तो आज आप थोड़ा सा टकरार में आ सकते हैं, आपकी पार्टनर आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगी, कुछ बताने की कोशिश करेंगी, या अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो मेल पार्टनर हैं आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो हो सकता है आज आपको समझ ना आए और इसके चलते आप दोनों के बीच में टकरार हो जाए और उनको लगे कि आप में बहुत ईगो है। तो ऐसे थोड़े ईगो क्लैशेस वाला दिन आज आपके लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम अपने शादीशुदा लोगों की बात करें तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ घर की समस्याओं को लेकर के आप दोनों थोड़ा तनाव में रहेंगे और एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आप दोनों ही तनाव में रहेंगे, समस्या एक ही होगी लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से सोचेंगे, इसकी वजह से दोनों में तालमेल आज नहीं बैठ पाएगा ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हम अपनी तीसरी यानी कि मिथुन राशि की तरफ और मिथुन राशि के लिए ये आ रहा है हमारे पास हाई प्रिस्टिस का कार्ड। अगर हम बात करें हमारे लव बर्ड्स की तो यहाँ पर दिख रहा है कि आज आप बहुत डुअलिटी ऑफ थॉट्स में रहेंगे। तो आप बहुत क्लीन एनर्जी में नहीं हैं, आपको लगेगा कभी कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, रिलेशनशिप ठीक जा रहा है, कभी लगेगा कि नहीं ठीक नहीं जा रहा है, हमें बात करनी चाहिए और बात नहीं करनी चाहिए। और अगर जिनका नया नया रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा उलझन में रहेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जो डिसीजन ले लिया है उस पर बिल्कुल अमर करें, ऐसे टू एंड फ्रो नहीं करें, नहीं तो आपका जो पार्टनर के को भी आपकी एनर्जी जाएगी और वहीं से यही ऐसे रिस्पॉन्सेज आएंगे आपको। चलिए वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कोई बड़ी महिला हैं, बुजुर्ग महिला हैं जो आज आपको अच्छे से ग्रीटिंग्स देंगी, ब्लेस करेंगी और आशीर्वाद देंगी कि आप दोनों का जोड़ी जो है अच्छे से बनी रहे और आप दोनों साथ में बहुत अच्छे से खुश रहें। तो आज आपके लिए दोनों के लिए एज अ कॉम्प्लीमेंटिंग डे है, जो वहाँ पर आपको बहुत सारी ग्रीटिंग्स मिलने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी चौथी यानी कि कर्क राशि की तरफ और कर्क राशि के लिए आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। अगर हम अपने लव बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आज आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव रहेंगे अपने पार्टनर के लिए। तो आप दोनों ही जो हैं एक दूसरे के लिए बहुत पोजेसिव रहेंगे और कुछ छोटी छोटी बातों पे आप लोग थोड़ा सा इरिटेबल हो सकते हैं कि नहीं हम उन्हें नहीं सुनी, हमको हमारी परवाह नहीं है, हम उन्हें उनकी कितनी परवाह कर सकते हैं। तो ऐसी एक एनर्जी आपके दिन में आज रहेगी ऐसा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर अपने शादीशुदा लोगों की बात करें तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो फीमेल पार्टनर है आज जो आपके उसमें पार्टनरशिप में या मतलब जो पत्नियां हैं आज वो थोड़ा सा डोमिनेशन में रहने वाली हैं और कुछ बातें हैं जो वो आज थोड़ा सा मनवा सकती हैं आप लोगों से। तो पति लोग प्रिपेयर्ड रहिए, आज कुछ बातें माननी पड़ेंगी आपको उनकी, नहीं तो वो थोड़ी सेंसिटिव हो जाएंगी। तो मान लीजिए तो वो भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी पाँचवीं यानी कि सिंह राशि की तरफ और सिंह राशि के लिए आ रहा है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। तो जो हमारे लव बर्ड्स हैं आज का दिन आपको थोड़े एफर्ट्स बनाने पड़ेंगे, अगर वो आपसे रूठी हैं या आपसे रूठे हैं तो उन्हें मनाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और अगर ज़्यादा बात नहीं हो रही है तो
बातचीत के भाव में उनको लाने के लिए आज आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं अपने शादीशुदा लोगों की बात करूं तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज आप अपने परिवार की चिंताओं में थोड़ा सा उलझे रहेंगे और उनको सॉल्व करने के लिए या उनका सलूशन ढूंढने के लिए आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा उलझेंगे भी। तो यहाँ पर आप दोनों की चिंता कॉमन होगी, आप दोनों पहले थोड़ा उलझेंगे और उसके बाद दिन के अंत तक उसका कोई सलूशन निकाल पाएंगे साथ में मिल करके, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों बहुत ही टफ पार्टनर हैं और बिल्कुल सलूशन निकाल लेंगे, ऐसा बिल्कुल दिखता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ। बस नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, जो हमारे लव बर्ड्स हैं आज बहुत हैप्पी कंसोलिंग एनर्जी में रहने वाले हैं। आज आप अपनी पुरानी मेमोरीज या पुरानी पिक्चर्स को देख के बहुत खुश होंगे, उस पर डिस्कशंस करेंगे, या पास्ट में आप उनके साथ कहीं घूमने गए हैं तो आप दोनों उस बात पर डिस्कशन करेंगे और बहुत खुश रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करूं अपने शादीशुदा लोगों की तो यहाँ पर दिख रहा है कि आज आप किसी नए व्यक्ति से अपनी पार्टनर को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने स्पाउस को इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे कि आपकी बीवी या आपके पति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं या बहुत स्वभाव के बहुत अच्छे हैं। तो आज आप अपने स्पाउस के लिए कॉम्प्लीमेंट्स बटोरते हुए दिखाई देंगे जो आपको बहुत खुशी मिलेगी। और अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ, यानी कि तुला राशि की तरफ। और तुला राशि के लिए आ रहे हैं ये हमारे पास एम्प्रोर का कार्ड। तो जो हमारे लवी डवी बर्ड्स हैं, जो हमारे प्रेमी जातक हैं, आज आप थोड़ा सा सोच में रहेंगे, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में रहेंगे। आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं हैं आप अपने पार्टनर की, उनको लेकर आप बहुत सोचेंगे और ढूंढ सोचेंगे कि इसको कैसे सुधारा जाए या उनसे कैसे बात की जाए। तो बिल्कुल सोचें और उनसे आराम से बात करें, सिर्फ सोच तक नहीं रहें, ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई कोल्डनेस नहीं रहे। तो वहीं अगर बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की तो यहाँ पर दिख रहा है कि आज आप बहुत बैलेंस और स्टेबल रहने वाले हैं। तो आज के दिन में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है आप दोनों के लिए और ना ही आपकी लव लाइफ में ज़्यादा उतार चढ़ाव है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चलेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ। तो हमारी वृश्चिक राशि के लिए देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। और ये आ रहा है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगर हम अपने लव बर्ड्स की बात करें तो आज आप बहुत लो इन एनर्जी है, आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है कि नहीं उसके बारे में बहुत सोचेंगे। तो अगर आपका रिलेशनशिप एकदम इंटेंस पॉइंट पे है तो यहाँ आज ब्रेकअप होने की थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ है। तो आज आप जब भी बात करें अपने डियर वन से तो थोड़ा सा संभल के बात करें कि आज की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है। अब वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में पैसों को लेकर के या घर के खर्चे को लेकर के कुछ बातचीत हो सकती है और वो बातचीत बिगड़ सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ज़रा थोड़ा सा नर्म स्वभाव से बात करें, नहीं तो दिन के अंत तक बड़ी लड़ाई हो सकती है आप दोनों के बीच में। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी धनु राशि की तरफ। और धनु राशि के लिए आ रहा है हमारे पास ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जो हमारे लव बर्ड्स हैं आज थोड़े से इनसिक्योर जोन में रहेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको आज इनसिक्योरिटी देगी, हो सकता है आपकी पार्टनर की कुछ बातें हों या उन्होंने ऐसी कोई चीज़ें की हों जो आपको ज़्यादा समझ नहीं आई या ज़्यादा आपको पसंद नहीं आई, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी रहेगी आज अपने रिलेशनशिप में, ऐसा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम अपने शादीशुदा लोगों की बात करें तो ऐसा दिखता है कि आज आप बहुत अग्रसर होकर अपने घर के लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ मोटा खर्चा कर सकते हैं। तो आप दोनों मिल करके करेंगे वो खर्चा और दोनों अच्छे से खुश रहेंगे ये सोच करके कि हमने कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है या हमने कुछ आगे इन्हांस करने के लिए ये खर्चा किया है। तो ये दोनों अच्छे नोट पे रहेगा, ऐसा दिखाई देता है। आप दोनों की साझेदारी अच्छे नोट पे रहेगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी कि मकर राशि के लिए। और मकर राशि के लिए आ रहा है हमारे पास टू ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता दूँ जो हमारे सिंगल लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आज। आप बिल्कुल आपकी आंखें चार हो सकती है, आपको कोई पसंद आ सकता है। और जो ऑफिशियली मैट्रिमोनियल साइट्स पे देख रहे हैं या मैट्रिमोनी के थ्रू बात कर रहे हैं, आज आप दोनों की आज आपकी किसी से बात होने की संभावना है और वो बात बनने की संभावना है, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए वहीं अगर हम बात करें हमारे लव बर्ड्स की तो यहाँ पर दिख रहा है कि आज आप दोनों बहुत बैलेंस्ड इन एनर्जी रहेंगे। आप दोनों बहुत अच्छे थॉट्स, अच्छे वर्ड्स और अच्छे एक्सप्रेशंस एक्सचेंज करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वो लवी डवी जोन आप दोनों का मेंटेन रहेगा, उसकी वजह से आप दोनों आज बहुत खुश रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की तो यहाँ पर आपके लिए भी एक अच्छी एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों कहीं डेट पर जा सकते हैं, कहीं साथ में घूमने जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी आ रही है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी कि कुंभ राशि की तरफ। और कुंभ राशि के लिए आ रहे हैं हमारे पास फोर ऑफ कप्स का कार्ड। तो अगर मैं अपने लव बर्ड्स की बात करूं, आज आप थोड़ा सा लो इन एनर्जी रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। कुछ बातों को लेकर आप परेशान रहेंगे, आपकी अपनी जो पार्टनर है या आपके जो पार्टनर है उनसे आपकी बात ज़्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा उदास रहेंगे। तो आज का दिन थोड़ा सा उदासी का है। अगर किसी बात पर कोई
गहमागहमी हो गई है, लड़ाई हो गई, तो उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, नहीं तो आप बहुत उदास जोन में रहते जाएंगे और आपके पार्टनर को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आज आप अपने घर के बाकी सब लोगों की वजह से बहुत उलझे रहेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे अपने पति को या पत्नी को। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस में हो, आज कहीं गई हो या कहीं गए हों और बिल्कुल बात नहीं हो पाए, तो आप उनके साथ वो बात करना थोड़ा सा मिस करेंगे। आज के दिन में ऐसी एनर्जी आ रही है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी यानी कि मीन राशि की तरफ, और मीन राशि के लिए आ रहे हैं हमारे पास टू ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो जो हमारे लव बर्ड्स हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि आप आज कुछ सोचेंगे, आप हो सकता है कोई सेकंड पर्सन कोई आपको अट्रैक्ट करे, तो वहाँ पे आप सोचेंगे कि हम जो रिलेशनशिप में हैं उसी में रहें या मूव करें या पीछे मुड़ के भी देखें। तो आज कुछ ड्यूअलिटी का थॉट रहेगा आपके माइंड में अपने रिलेशनशिप को, आपको अपने पार्टनर से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी लेकिन कुछ चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी उनसे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, उनको थाम के रखिए, उनका हाथ थाम के रखिए, ताकि आप दोनों अच्छे रिलेशनशिप में जा सकें और अच्छे से प्यार भरे रोमांटिक जोन में रहें। चलिए अब वहीं अगर बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो ऐसा दिख रहा है कि आज आप दोनों बहुत बैलेंस रहेंगे। आप दोनों की कुछ काम है जो आप दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे कि आप इस सेक्शन का ख्याल रखें, हम उसका रखें, तो दोनों मिल करके अपनी जीवन को आज के दिन या अपने कामों को आज के दिन करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और दोनों बहुत एक बैलेंस और खुश रहेंगे और सपोर्टिव रहेंगे एक दूसरे के लिए, ऐसी एक एनर्जी आ रही है। चलिए अब इसी के साथ आज का लव हॉरोस्कोप समाप्त होता है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं वार्ता.astrosage पे, या फिर ऊपर बॉल पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकें। आप कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे लव हॉरोस्कोप के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें और खिलखिलाते रहें। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात, प्यार पैसा परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।